साथियों, उत्तर प्रदेश की हालत जिस ढंग से हम देखते हैं वो वैसी है नहीं, खासतौर से अगर जो ग्रामीण और रिमोट इलाकों में काम करते हैं वहाँ पर। और कमल भारती के मामले में जो आया है, ऐसे कई केसेस पहले भी आ चुके हैं। वैसे मेरे ऊपर भी एक FIR हुई थी लिखने के कारण ही, सोनभद्र का मैं खासतौर पर रहने वाला हूँ और शुरुआत मेरी पत्रकारिता की वहीं से हुई थी ज़मीनी स्तर पर। तो उस समय मेरे पर FIR हुआ था, लेकिन कुछ वहाँ के पब्लिक के दबाव में उसमें FIR लगा, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस कोई साधारण सी बात नहीं है, और भी साथी हैं जो लिखते हैं और उनके ऊपर FIR वगैरह होना, गिरफ्तारी करना, ये सब आम बात हो गई है। और ख़ासतौर से उन लेखकों को चुना जाता है जो सरकार के खिलाफ और सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। अभी खनन माफिया का मामला जो चल रहा है, खासतौर से दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर, ये तो एक छोटा सा मामला है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर उन्होंने एक बहाना बना लिया कि नहीं मस्जिद गिराए जाने को लेकर ऐसा किया गया, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं उसमें खनन माफियाओं का भूमिका है। ऐसा नहीं है कि इसमें खासतौर से वही एक रीजन हो, और उनको जिस प्रकार से बनाया गया है शिकार इस मामले का, वैसे कई केसेस पहले भी वहाँ पर लेखकों के साथ भी होते हैं। वो अगर उनके खिलाफ वो लिखते हैं तो उसमें उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो नक्सल मूवमेंट के नाम पे या उनके समर्थक के नाम पे गिरफ्तार करके कर दिया जाएगा, या फिर कोई फर्जी अन्य मुकदमे ला दिए जाएंगे, या किसी से हमला कराकर ये होगा कि नहीं आपने झगड़ा किया और फर्जी मुकदमे ला दिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत से होते रहते हैं, और कमल भारती के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने जो लिखा था फेसबुक पर, मुझे जानकारी वैसी चीज़ें तो उससे कहीं ज़्यादा लिखी जाती हैं, लेकिन एक है कि वो बड़े नाम थे इसलिए उनको निशाना बना लिया गया और गिरफ्तारी की गई। और ऐसा नहीं है कि अन्य लेखकों पे नहीं है संकट, सीमा आज़ाद के मामले में वो सामने आया था, सब लोग इस बात को जानते हैं, और ख़ासतौर से वो इसलिए हुआ था क्योंकि उधर एक जो विंध्याचल का एरिया है टोटल, ख़ासतौर से विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, उस इलाके में अगर कोई खनन के खिलाफ लिखता है, क्योंकि सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो यूपी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा देता है और खनन के मामले में 3 गुना उसे इलीगली रूप से पैसा देता है वहाँ के मंत्रियों को। लीगल तो लगभग वहाँ पे 10 अरब का है राजस्व, लेकिन कहीं 30 अरब राजस्व हमको लगता है इलीगल जाता है। तो अगर उस पर लिखता है कोई तो कहीं ना कहीं अटैक सरकार पर होता है, और सरकार कराती है, इसलिए निशाना बनाया जाता है। कमल भारती जी ने कई सवाल उठाए थे, वो सही उठाए थे, खराब नहीं उठाए हैं, हम लोग भी लिखते हैं। तो ये जो गिरफ्तारी का दौर है, खासतौर पर यूपी में और यूपी से सटे इलाकों में, चाहे वो झारखंड का हो चाहे बिहार का, कैमूर एरिया जो है, वो पूरा सोनभद्र के आसपास का एरिया जो लेते हैं, उधर MP का भी मामला ऐसा है, अगर हम उस इलाके में जाते हैं तो खनन और कारपोरेट घराने बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं और लिखने नहीं देते वहाँ पे। अभी हमारे इलाके में लगभग 150 पत्रकारों की लिस्ट जारी हुई जो खान विभाग यहाँ जाकर अपना महीना लेते हैं, ऐसा पूरा वो ओपन हुआ। तो पत्रकारों की क्या शैली है लेखकों की, ये भी देखने को आ रहा है। JP समूह है वहाँ पे सबसे अंधेर गर्दी मचाए हुए है, लेकिन वो सबको, जितने भी पत्रकार, सबको हर माह विज्ञापन से चाहे खुश करे चाहे अन्य किसी माध्यम से खुश करता रहता है। तो ये ऐसा रैकेट है कि इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए संगठित होना जरूरी है, और हम समझते हैं कि इसको तो हम संगठित होकर लड़ सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है कि लोग सुरक्षित रह पाएँ भविष्य में। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूँ।